अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अपने चैनल पे सोर्सेज बनाना सिखाएंगे। हमने एक चम्मच नमक ले लिया है, हमारा एक चम्मच लाल मिर्च है, ये हमारी वाइट मिर्च है, आधा चम्मच हमारा आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट है, जिसको हम पाउडर भी कहते हैं, लहसुन का पाउडर है, ये हमारा एक चम्मच कॉर्नफ्लावर है, और दो चम्मच हमारा मैदा है, ये हमारा सोया सॉस है, और हमने एक आधा किलो बोनलेस मुर्गी का गोश्त ले लिया है, इसमें कोई हड्डी नहीं है, और इसको धो के साफ कर लिया है। अब हम आपको इसको बनाने का तरीका बताएंगे। हम अपने चिकन का कीमा बना लेंगे। ये जार में हम अपना गोश्त डाल देंगे, आराम आराम से इसको पीस लेंगे, कीमा बना लेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके इसका कीमा बनाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये बन जाए। ये देखिए, इसका हमने कीमा कर लिया है। इसी तरह हम अपने बाकी गोश्त का कीमा बना लेंगे। ये देखिए, अब ये इसमें सारा डाल देंगे, इसका भी कीमा बना लेंगे। ये देखिए, हमने अपने मुर्गी के गोश्त का बारीक बारीक कीमा कर लिया है। अब हम इसको फिर से जार में डालेंगे थोड़ा सा। ये देखिए, अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। ये सोया सॉस डालेंगे हम इसमें, ये हमारा मैदा है, मैदा डाल देंगे, ये हमारा एक चम्मच नमक है, ये डाल देंगे, एक चम्मच हमारी मिर्च है, ये डाल देंगे, ये हमारा थोम का जो पाउडर है वो डाल देंगे आधा चम्मच, आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे सफ़ेद मिर्च, आधा चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लोर। ये देखिए, अब हम इसको फिर से ग्लैंड कर लेंगे, फिर आप सबको दिखाते हैं। डाल के सारे ग्लैंड कर लिए हैं। ये देखिए, अब हम इसको इस कीमे में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसमें भी मसाला अच्छी तरह से रख जाए। ये देखिए, कीमा हमने बारीक बारीक पीसा है। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने अपने कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके फिर इसको ग्लैंड कर लेंगे, ताकि ये मज़ीद पतला हो जाए और बारीक कीमा हो जाए। ये देखिए, मज़ीद पतला कीमा बन जाए और बारीक कीमा बन जाए, इसको हम फिर से मज़ीद ग्लैंड कर लेंगे। कीमा हमारा अच्छी तरह से बन चुका है, और ये हाथ पे थोड़ा थोड़ा चिपक रहा है, थोड़ा सा हम हाथ पे ऑयल लगा लेंगे, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। ये हमने पेपर रैप एक डिश में बिछा दिया है, अब हम इसको पहले लंबा बना लेंगे। ये देखें, इसी तरह लंबा बना लेंगे। ये देखिए, हमने ऐसे लंबा बना लिया है। ये हमारा पेपर रैप है, इसके अंदर हम ऐसे रख के इसको फोल्ड कर लेंगे आराम से, ऐसे आराम आराम से। ये देखें, इसी तरह आराम आराम से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इसको फोल्ड कर लिया, अब हम इसको काट लेंगे। ये देखिए, हमने पेपर रैप को काट लिया, अब हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे ताकि इसके अंदर से पानी ना डाले। ये देखिए, यहाँ से भी बंद कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा बन चुका है, अब यहाँ से भी बंद कर देंगे हम। ये देखिए, इसी तरह हम और बना लेंगे अपने। फिर से हमने पेपर रैप बिछा लिए, हाथ पे हल्का सा ऑयल लगाया है। ये देखें, इसको ऐसे लंबा और सीधा सीधा बना लेंगे। ये देखें, अब फिर हम इसको पेपर रैप में फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, अच्छी तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, अब हम इसको ऐसे बंद कर लेंगे। यहाँ से हम इसको काट दे देंगे ताकि इसके अंदर पानी ना जाए और ना ही ये खुले। ये देखें, अब हम इसको इसी तरह बांध देंगे। ये देखें, इसी तरह हम अपने और बना लेंगे। ये देखें, इसी तरह हम अपने और बना लेंगे। ये देखिए, हमारे हॉट डॉग तैयार हो चुके हैं, अब हम इसको पानी में डालेंगे। ये देखिए, हमारा पानी बॉयल हो गया है, अब इसको आराम से डालेंगे ताकि ये पक जाए। ये देखें, तकरीबन हम इसको पानी में
20 से 25 मिनट बॉयल कर लेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाएंगे। देखें आराम आराम से डालेंगे, पानी हमारा गर्म है। ये देखें आँच हमने नरम रखी हुई है। अब हम इसको ढाँप के रख देंगे, 20 से 25 मिनट बाद देखेंगे आँच हमारी नॉर्मल है। ये देखें 25 मिनट हमने इसको पूरा पानी में पका लिया अपने सोर्सी चीज़ को। ये देखें अब ये फूल गए और डबल भी हो गए। अब हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। ये देखें देखिए हमारे सोर्सी चीज बन चुके हैं। अब हम शापर को कैंची से काट लेंगे। ये देखें अब थोड़े से ठंडे भी हो चुके हैं, हमारे शापर उतार लेंगे। अब हम आपको फ्राई करके खाएँगे। ये देखें ये देखें अब हम इसको फ्राई करने हैं। अपने पैन को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच घी के डालेंगे और अपने सोया सॉस को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अब इसमें हम सोया सॉस डालेंगे। आँच हमने नरम रखी हुई है। ये देखिए ये देखिए अब हम इसको अच्छी तरह से नीचे से पका लेंगे। ये देखिए तरह से एक साइड का पका लेंगे, फिर इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखें ताकि अच्छी तरह से पक जाए हमारा सोर्स हमारे पक रहे हैं बस। ये देखिए हमारे सोर्स की जिस एक साइड से पक चुके हैं। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, दूसरी साइड से इसको पका लेंगे। ये देखें दूसरी साइड से इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें ये देखें सोर्सी बीज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमारा सोया सोर्सेस बन चुके हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारे सोया सोर्सेस बन की तैयार हो चुके हैं। अब हम उसको काट के दिखाएंगे। ये देखिए हमारे अच्छी तरह से बन चुके हैं। ये देखिए अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। घंटे के बटन दबाना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।